भीमा कोरेगांव की घटना के 200 साल के इवेंट पर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए दलितों ने जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से पूरे देश में से आए थे, उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया और उनके ऊपर जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हुआ, उनके साथ हिंसा हुई, इस मामले में मुझे लग रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री को तुरंत अपना मुंह खोलना चाहिए। क्या इस देश में दलितों को शांतिपूर्ण ढंग से कानून और संविधान के दायरे में रहकर भीमा कोरेगांव के 200 साल के इवेंट को लेकर पीसफुली रैली निकालने का अधिकार है कि नहीं? जो खुद को अंबेडकर भक्त कहते हैं, ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री इस मामले में खामोश क्यों? उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई, ऊना की घटना हुई, सहारनपुर में दलितों के घर जलाए गए, इस मामले में संघर्ष कर रहे क्रांतिकारी साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल में डाल दिया, और अब भीमा कोरेगांव में इस प्रकार से हिंसा होती है। इन सारों में से एक भी मामले में उनकी ओर से या तो खामोशी दिखती है या तो कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखता। अब वक्त आ गया है इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार, खासतौर पे केंद्र की सरकार, ये बोले, अपनी पोजीशन क्लियर करे कि आखिर इस देश में से जाति व्यवस्था खत्म हो, जाति निर्मूलन हो और दलितों के साथ किसी भी स्वरूप का उत्पीड़न ना हो, इस मामले को लेकर उनकी कोई कमिटमेंट है कि नहीं? अहमदाबाद से ऊना की यात्रा लेकर हम लोग जब निकले, तब भी उस रैली के ऊपर, उस यात्रा के ऊपर, उस प्रोसेशन के ऊपर हमला हुआ, गाड़ियों के कांच तोड़े गए, लोगों के सिर फोड़े गए। सहारनपुर की घटना के रिस्पांस में भीमार की आर्मी के साथियों ने जो रैली निकाला, उसके ऊपर भी हमला हुआ, और अब भीमा कोरेगांव में भी जो दलित पीसफुली अपनी रैली निकाल रहे थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। आखिर इस देश में दलित सुरक्षित क्यों नहीं? और क्या ये देश अब जाति निर्मूलन की, एनाइलेशन ऑफ कास्ट की बात करने वाला है कि नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि सचमुच इंडिया डिजिटल बने, लेकिन साथ साथ एक कास्टलेस सोसाइटी भी खड़ी हो। चंद्र में मून के ऊपर वाटर रिसोर्सेस है कि नहीं, या मंगल के ऊपर हम लोग कॉलोनीज खड़ी कर पाएंगे कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उस जमाने में। आज भी जाति का कीड़ा, मॉन्स्टर ऑफ कास्ट जिंदा क्यों है? यह सवाल हम समझना चाहते हैं। यदि दलित समाज के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यदि एक एमएलए के साथ इस प्रकार से टारगेट किया जा सकता है, तो इस देश में किसान और मजदूर के हित की बात करने वाले किसी आम आदमी की हालत क्या होगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, बड़ी मालिश और चाइल्डिश हरकत लगती है मुझे। तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं, एमएलए हूं, पेशे से वकील हूं, मेरी स्पीच पब्लिकली अवेलेबल है, फेसबुक पे उसको हमने लाइव किया था, उसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे प्रोग्रेसिव कंटेंट उस वीडियो क्लिप में अवेलेबल है, और जिस प्रकार से हमारे सामने एक बचकाना ऑफेंस दर्ज हुआ है, वो ये दिखाता है कि गुजरात में भाजपा जो 150 सीटों का घमंड लेकर घूमती थी, वो 99 पे आकर रुक गए, और अभी सेलिब्रेट करने के जरा भी मूड में नहीं। उसी की बौखलाहट के चलते
मेरे सामने ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके बीच में ये बात रखना चाहेंगे, यदि फांसीवाद के सामने लड़ाई लड़नी है, यदि इस देश में से शोषण को खत्म करना है, जाति निर्मूलन करना है, तो सड़कों की लड़ाई भी लड़नी होगी, जिसका स्वाभाविक मतलब ये है कि हमें सड़कों पर जनता के अधिकारों को लेकर कानून और संविधान के दायरे में रहकर पीपल्स मूवमेंट करना है, जन आंदोलन खड़े करने हैं। भीमा कोरेगांव के लोकेशन के ऊपर, उस स्पॉट के ऊपर मैं गया ही नहीं हूं, एक मेरी स्पीच का कोई भी हिस्सा किसी भी कानून की किसी भी प्रोविजन के मुताबिक प्रोवोकेटिंग या इन्फ्लेमेटरी दूर दूर तक नहीं है। दो, तीसरी बात, महाराष्ट्र में जो बंद कॉल दिया गया, महाराष्ट्र में मौजूद होने के बावजूद मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और चार, कल को मुंबई में स्टूडेंट्स और यूथ की मूवमेंट्स को लेकर, उनके सवालों को लेकर एक कॉन्फ्रेंस था जिसको पुलिस ने रोका, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं भीमा कोरेगांव गया ही नहीं, एक भी प्रोवोकेटिव वर्ड बोला भी नहीं, बंद कॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरे चलते हिंसा कैसे हुई, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम यही अपील करते हैं, क्योंकि हम चाहते कि सचमुच महाराष्ट्र में रूल ऑफ लॉ लागू हो, पीस मेंटेन की जाए, लेकिन भीमा कोरेगांव में जिस दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार हुआ, उसके सामने भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बार बार कह रहा हूं कि मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम किया है, इसलिए अपील करता हूं कि यदि मेरे सामने फॉल्स फ्रिवोलस कंप्लेन जो हुई है, उससे चलते यदि कोई भी आहत हुआ है, ऑफेंड हुआ है, फिर भी वो सड़कों पर ना उतरे। गुजरात, महाराष्ट्र और पूरे देश के दलित आंदोलन की ओर से, प्रगतिशील आंदोलन की ओर से और युवा वर्ग की ओर से, मेरी बात को खत्म करते हुए इतना तो जरूर कहूंगा कि यदि इस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र में दलितों को प्रताड़ित किया गया और मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की, मेरी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में आपको जमकर मजा चखाएंगे, ये भी कह देते हैं। साथ साथ ये भी कहना चाहते कि सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी डराने की धमकाने की कोशिश करो, हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मानते, उनकी विचारधारा में मानते, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी से आंख मिलाते हुए हमेशा हमारे संघर्ष को, आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और इसी मकसद पे हम लोग 9 तारीख को दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए एक युवा हुंकार रैली करेंगे, जिसमें मेरे साथ इस देश के बहुत से यूथ लीडर्स और खास करके अखिल गोगोई भी होंगे। और उस दिन सामाजिक न्याय के लिए ये जो युवा हुंकार रैली होगी, वो खत्म करने के बाद शाम को 4:30 बजे मैं पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में जाऊंगा, जब उस वक्त मेरे एक हाथ में मनुस्मृति होगी और दूसरे हाथ में होगा संविधान, और इस देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहेंगे कि मोदी जी, व्हाट डू यू चूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मनुस्मृति।